हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में, जहां पे आपको पूरी की पूरी रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑल जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स आती हैं उसके बारे में आपको पूरी की पूरी यहां पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज मैं आपको पंजाब में काफ़ी ज़्यादा जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स की आगे भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। उससे क्या होगा कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तो देखिए, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लुधियाना, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जैसे वहाँ पे पंजाब में वहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये मैंने आपको साइट यहाँ ओपन की हुई है, देखिए। तो यहाँ सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसकी पूरी की पूरी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस फॉर फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ PS एंड PN विद द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1 एंड 2 ऑफ 2021 एंड परफॉर्मर। ये यहाँ पे PDF फॉर्म है जो मैंने ओपन करके रखी है आप लोगों के लिए। तो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लुधियाना में पब्लिक नोटिस निकला हुआ है कि एप्लीकेशन मंगवाई गई हैं फॉर फिलिंग अप ऑफ 35 पोस्ट ऑफ PN। 35 पोस्टें हैं PN की और 7 पोस्टें हैं, 7 पोस्ट हैं प्रोसेस सर्वर की, इंक्लूडिंग 26 पोस्टें होंगी उसमें PN की और 6 होंगी उसमें पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, ऑलरेडी जो कि एडवर्टाइज की जा चुकी है। तो इसके बारे में पूरी की पूरी आपको मैं जानकारी अब देने वाला हूँ। तो एक एक चीज को पूरा समझना है आपने। सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया था इन पोस्टों के लिए, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लुधियाना न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लुधियाना में, सबसे पहले जिन्होंने ऑलरेडी वैकेंसीज के लिए ये नोटिस नंबर 1 2020 और नोटिस नंबर 2 2020 है, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया था और उनका नाम ऑलरेडी उसमें है, उन्होंने तो अप्लाई नहीं करना है, लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया था वो अप्लाई कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज में सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है नोटिस नंबर 1 ऑफ 2021। अब ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकल चुका है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लुधियाना पब्लिक नोटिस जो निकला हुआ है, इसमें 35 पोस्टें हैं PN की। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए लास्ट डेट जो अप्लाई करने की यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो 17/2/2021। फिक्स सैलरी है 5,300, जो बैंड बनेगा आपका पे स्केल का वो बनेगा 4,900, 10,680 प्लस GP 1650 ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड इन अकॉर्डेंस विद दी पंजाब गवर्नमेंट लेटर नंबर 7/2004/212। अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है, द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज अप टू मिडल स्टैंडर्ड, मिडल स्टैंडर्ड तक पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट कैंडिडेट शुड बी 18 to 35, 18 से 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप किया गया है पोस्टों को, वो है जनरल कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसीज हैं, और SC जिसमें कि मजबी और वाल्मीकि आते हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज हैं, PHC के लिए 1 वैकेंसी है, SC अदर्स के लिए 3 वैकेंसीज हैं, BC एंड OBC के लिए 3 वैकेंसीज हैं, ESM जनरल के लिए 3 वैकेंसीज हैं, ESM SC के लिए 1 वैकेंसी है, ESM BC OBC के लिए 1 वैकेंसीज है। तो ये हो गए टोटल 35। अब द पोस्ट ऑफ PHC विल बी फिल्ड अप फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस एंड लो और लो विजन। जिन PHC जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो वैकेंसी है, जो ब्लाइंडनेस है जिनमें या बहुत लो विजन है, उनके लिए फिल की जाएगी। द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PN इन परचेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर 1 2020, रीड द पब्लिक नोटिस डेटेड। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपका, आपने पहले अप्लाई किया हो तो आप और आपका नाम वहाँ पे है तो आपको अप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है, आपने पहले अप्लाई किया और रिजेक्शन में आ गया था आपका फॉर्म पहले, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ्रेश कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा अब आपको बताता हूँ मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा।
The selection of the candidates will be made surely on merit basis. तो इसमें एग्जाम नहीं होगा, आपकी मेरिट बनेगी, be prepared on the basis of marks obtained by the candidate in the interview. तो इंटरव्यू में जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बन जाएगी. इंटरव्यू कब होगा, अब ये बताता हूँ. द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 1/3/2021, मतलब 1 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक ये इंटरव्यू चलेंगे. However, the further detail of interview, that is date of interview, candidates, time of interview, list of candidates and revised list जो होगी इसकी, roll number वगैरह will be displayed on the notice board of the office of the undersigned as well as on the website. तो जो notice board होगा वहाँ पे भी आपके जो जो details होगी, dates होगी interviews की, candidate के हिसाब से, जैसे अब आप apply कर दोगे तो उसके बाद list निकलेगी किन किन कैंडिडेट्स के कब कब इंटरव्यू हैं. वैसे तो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, मतलब 19 मार्च तक 2021 तक ये चलते रहेंगे. लेकिन लिस्ट जो है नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी, और ये जो साइट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे भी वो लिस्ट आप देख सकते हैं. तो कैंडिडेट्स इन देयर ऑन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू चेक दी वेबसाइट, मतलब आपको कोई कॉल नहीं आएगी, कोई लेटर नहीं आएगा, आपको अपने लेवल पर चेक करनी है वेबसाइट. ठीक है, अब इंटरव्यू का जो वेन्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड, न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लुधियाना में आपका इंटरव्यू होगा. बैकसाइड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स डीसी ऑफिस लुधियाना, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा. अब नोट्स हैं, एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शुड बी लीगली फिल्ड अप इन कैपिटल लेटर्स. तो मतलब आपने जो फॉर्म भेजना है वो पूरा का पूरा लाइक कैपिटल लेटर में फिल करना है विद कंप्लीट पर्टिकुलर्स. कैंडिडेट हैव टू सेंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, उस पे आपने अपने एक सिग्नेचर भी साइन भी होना चाहिए अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और साथ में सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं. एप्लीकेशन सेंट बाय पोस्ट इन एन एनवेलप मस्ट बी सुपरस्क्राइब्ड. अगर आप जैसे बाई पोस्ट भेजोगे अपनी एप्लीकेशन तो उसके ऊपर आपने लिखना है लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ पीएन. अभी मैं पीएन की बात कर रहा हूँ, जो सर्वर की है वो 7 वैकेंसी है उनके बारे में मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ. उसके बाद द फॉर्म विच आर रॉन्गली फिल्ड, अगर गलत हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर आपको आपका नाम नहीं वहां आएगा, फिर दिक्कत हो जाती है. तीसरा, दिस ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, अगर आपका पोस्टल डिले हो गया, मतलब आज देख रहे हो कल ही फिल करके भेज दो, 2-3 दिन के अंदर अंदर लेट नहीं करना है कि अभी 4 दिन बचे हैं फिर भेज देंगे जी, तो इसलिए लेट नहीं करना है. द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एटलीस्ट 1 फोटो आईडी, जब भी इंटरव्यू के लिए आओगे अपने साथ अपने फोटो आधार कार्ड वगैरह जो भी फोटो आईडी है वो अपने साथ में लेके आनी है. अच्छा, कोरोना का समय है इसलिए मास्क पहन के आना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, मतलब जब इंटरव्यू होगा, और अदरवाइज आपको अंदर इंटरव्यू के लिए आने नहीं दिया जाएगा. कोई भी किसी भी तरह का TADA नहीं मिलेगा. द शेड्यूल्ड इंटरव्यू कैन बी पोस्टपोन, इसका जो डेट है वो थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, तो इस बात का आपने वेबसाइट पे ध्यान रखना है. बिफोर अप्लाइंग टू द अबव पोस्ट द कैंडिडेट्स शुड हैव एंश्योर ही शी फुलफिल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पूछा गया वो देख चेक कर लेना, आप एलिजिबल मतलब चेक करके ही आपने अप्लाई करना है. मेरली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड, मतलब मेरिट बनेगी आपकी. द कैंडिडेट विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द डिस्क्रिपेंसीज एरर इफ एनी इनटू द नोटिस ऑफ दिस ऑफिस. तो अब ये देखिए, इसके लिए पीओन की पोस्ट के लिए परफॉर्मा है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है और भरना है इसको, फिर ये भेजना है आपने. देखिए इस पर आपने देखो, एक तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द पीएन, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है लुधियाना, अपना नाम, फादर्स नेम, ये सारे कैपिटल लेटर में फिल करने हैं. यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाना है और अपने साइन कर देने हैं फोटो के ऊपर. उसके बाद आपने यहाँ फोन नंबर भी देना है, नेशनलिटी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सारा लिखना है, और यहाँ पे आपने कर देने हैं सिग्नेचर. सिग्नेचर जरूर करने हैं दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों ने. I had not applied against the post of PN in pursuit of the employment notice 1/2020 read with public notice dated 20/2020. My name is not appearing in the annexure. तो ये तो ठीक है, declaration होगी आपकी तरफ से.
अब बात करते हैं नोटिस नंबर टू की। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर टू है, उसमें 7 पोस्टें निकली हैं प्रोसेस्ड सर्वर की, जिसमें 6 पोस्टें ऑलरेडी एडवर्टाइज की जा सकती थी, कर दी गई थी, अब इंक्रीज कर दी गई हैं। इसकी लास्ट डेट जो है परफॉर्मा फिल करने की, तो वो है 17/2/2021, 17 फरवरी 2021। फिक्स सैलरी इसमें भी मंथली जो रहेगी 5,300 रहेगी, बैंड वही है जो मैंने आपको पीएन के लिए बताया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, मतलब 8वीं पास हो गए पीओन के लिए, 10वीं पास हो गए आप इसके लिए, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो तो एडिशनल नंबर बन जाएंगे आपके। एज लिमिट 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया है, बांटा गया है पोस्टों को, जनरल के लिए 5 पोस्टें हैं, एससी जिसमें वाल्मीकि और मजबी आ जाते हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है, ईएसएम एससी के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल होगी 7 वैकेंसी। अब जो क्राइटेरिया है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट भी पहले आई थी, तो उसके लिए अगर किसी ने अप्लाई कर दिया था पहले, मान लीजिए 2020 में दिसंबर में, तो उस टाइम अगर आपका नाम है यहाँ पे तो आपने अप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर आपका रिजेक्ट हो गया था फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई, वो तो करेंगे ही करेंगे अप्लाई इसके लिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया फिर से आपकी यहाँ मेरिट बनेगी, कोई एग्जाम नहीं होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू फिर से 1 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक रहेगी। तो इसके बाद वेन्यू, जो आपको एड्रेस ऑलरेडी मैंने बताया था, वो है न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लुधियाना बैक साइड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, डीसी ऑफिस लुधियाना। बाकी जो नोट्स मैंने आपको पीछे बताए कैपिटल लेटर में, आईडी प्रूफ वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। दोस्तों ये परफॉर्मा है, इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रोसेस सर्वर, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, बल्कि और जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर इन सेशंस डिवीजन लुधियाना। तो ये कैपिटल लेटर में अपना पूरा फिल करना है और लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाना है दोस्तों, और ये यहाँ पे आपने नीचे कर देने सिग्नेचर, ठीक है। तो इस बात का आपने पूरा का पूरा ध्यान रखना है, और आपने अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक जरूर करना है। तो इसी के साथ वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।